एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसकी बुक का चैप्टर टू। चैप्टर वन जो है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो चैप्टर टू जो है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हेयर इज़ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर कंट्रीज़, मतलब चार कंट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी अनडेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें लोग वोट देते हैं, जैसे कि इंडिया, हमारे देश में वोटिंग होती है, आपको पता होगा, वोट देते हैं और अपने लीडर को चुनते हैं। और वोट कैसे होने चाहिए, जो वोट पड़ते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, कोई ज़बरदस्ती आपसे वोट ना पड़वाए, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फिर वोटर के पास चॉइस होनी चाहिए, जिसको वो इलेक्ट करना चाहता है उसी को वो इलेक्ट करें, ठीक है। मल्टीपल पार्टीज़ भी होनी चाहिए अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो काफ़ी सारी कंडीशन हैं, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे तो हम समझते जाएंगे। तो पहली कंट्री है अ पीपल, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज़ ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव राइट टू वोट। मतलब कंट्री के ऑफिशियल रिलीजन को, कोई उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन बना लिया है, सपोज़ किया, देखिए जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का, बांग्लादेश और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन क्या है, इस्लाम, ठीक है। तो ऐसी कंट्री है एक, कोई सी भी मान लीजिए, कि कोई अगर जो उस धर्म को नहीं मानता है, जो मुसलमान नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो क्या ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी? जी नहीं, ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है। इसका मतलब होता है कि जो भी पर्सन, एज लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, 18 हो, 21 हो या जो भी हो, मगर इतनी एज से ऊपर, चाहे वो मेल है, फीमेल है, गरीब है, अमीर है, वो कोई भी है, सबको वोट देने का अधिकार है अगर, तो वो कंट्री डेमोक्रेसी है। और भाई रिलीजन के बेसिस पे वोट देने का अधिकार नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट कंट्री है, द सेम पार्टी हैज़ विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो अब देखिए, ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है कि भाई वो पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही हो, मगर बहुत ही कम चांसेस है कि लगातार 20 सालों से कोई एक ही मतलब पार्टी जो है वो जीतते जाए। तो हम लोग इसमें श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्टिंग के हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो 20 साल तक कांग्रेस रही थी, है ना, मगर कांग्रेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती थी, लोग पसंद करते थे तो वोट करते थे। जैसे अब मोदी गवर्नमेंट है हमारी, बीजेपी, ये भी लगातार 2 बार आ चुकी है, तो 10 साल तो इसको भी हो जाएंगे। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, इसमें हम लोग नॉट श्योर है, हम लोग श्योर नहीं है कि भाई ये डेमोक्रेटिक है या नहीं, क्योंकि हो सकता है डेमोक्रेटिक हो, 20 साल से एक पार्टी इतना अच्छा काम कर रही हो कि वही कब आ रही हो पावर में। कंट्री सी है, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शंस। अब रूलिंग पार्टी लास्ट 3 इलेक्शन हार गई है, अब इलेक्शन हार गई है तो वो पार्टी रूलिंग कैसे हो सकती है? भाई जो इलेक्शन हारता है वो तो अपोजिशन में जाता है ना, वो सरकार थोड़ी ना बताता है, तो कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। भाई हार रही है, इलेक्शन करवा रही है, हार रही है ना, तो क्या हो जाएगा? रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3। ओके सॉरी, ये डेमोक्रेटिक है, क्यों? मैंने थोड़ा सा गलत वे में ले लिया था इसको। देखिए, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शन, मतलब अभी जो पार्टी आई है ना सत्ता में फिलहाल, सपोज जैसे कि पिछले 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, उससे पहले 10 साल तक कौन था सत्ता में? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस हार के बीजेपी आई ना, है ना, क्योंकि बीजेपी लास्ट 10 साल से इलेक्शन क्या कर रही थी? हार रही थी, मगर फिर 2014 में इलेक्शन जीत गई। तो रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शन, मतलब अब जो रूल कर रही है ना, अब तो वो जीत चुकी है, मगर इससे पहले लगातार 3 इलेक्शंस वो हार चुकी थी। तो कंट्री सी तो डेमोक्रेटिक हुई, क्यों? होपफुली आपको समझ में आ रहा है डेमोक्रेटिक क्यों हुई, क्योंकि वो पहले हार रही थी लगातार 3 बार, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 15 साल तक वो इलेक्शन हार रही थी, मगर अब सपोज करिए 2020 में इलेक्शन हुए और वो जीत गई, तो यानी कि डेमोक्रेसी चल रही है भाई। जो सत्ता में थी इतने टाइम से, जो पार्टी, वो हट गई, और जो पार्टी हारे जा रही थी अब वो पावर में आ गई है इलेक्शंस के थ्रू, तो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट है कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। भाई अनडेमोक्रेटिक
ट्रूली अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि इलेक्शन करवाने का काम कौन करता है, इलेक्शन करवाने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का, हमारे देश में उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखता है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो, सरकार की या किसी भी पार्टी की ना चले, जिस इंसान का जिसे वोट देने का मन है वो उसे वोट दे, ये इंश्योर करती है इलेक्शन कमीशन। और इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो अपने मर्जी से अपनी तरीके से काम नहीं कर सकती, तो अनडेमोक्रेटिक वो कंट्री हो जाती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों को डेमोक्रेसी की क्या क्या बातें पता लगी, कि डेमोक्रेसी में एवरी पर्सन हैव अ राइट टू वोट, एवरी पर्सन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी एडल्ट पर्सन हैज अ राइट टू वोट, तो डेमोक्रेसी है। सेम पार्टी विनिंग इलेक्शन फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, नॉट श्योर, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि वह अच्छा काम कर रही है इस वजह से जीत रही है। रूलिंग पार्टी हार, रूलिंग पार्टी हैज अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो रूलिंग अब ही पार्टी है जो अभी सत्ता में है वो हारने के भी उसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। इसका मतलब है कंट्री में डेमोक्रेसी है, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इज द फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, देश में क्या है, देश में डेमोक्रेसी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हेयर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर कंट्रीज, चार कंट्रीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन फिर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक नॉट श्योर बताना है। तो पहली कंट्री है पी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द आर्मी चीफ, कंसेंट होता है मर्जी, मतलब अगर पार्लियामेंट आर्मी के खिलाफ कोई भी ठीक है लॉ नहीं पास कर सकती है पार्लियामेंट में बिना चीफ, आर्मी के जो चीफ हैं, अगर आपको पता है हमारे देश के आर्मी के कौन चीफ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बिना आर्मी के चीफ के परमिशन लिए अगर कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं पास कर सकती है तो भाई अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक, ट्रूली अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि भाई देखिए कोई कंट्री डेमोक्रेसी है ना तो सबसे ऊपर होती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोग जो डिसाइड करेंगे वो चलेगा देश में, अगर आर्मी के चीफ की एडवाइस लेनी पड़ रही है तो अनडेमोक्रेटिक है, गलत बात है। देखिए अनडेमोक्रेटिक कंट्री क्यू, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी, तो पार्लियामेंट जुडिशरी की पावर को कम नहीं कर सकती है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं मेनली, एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है लेजिस्लेचर। ये चीज़ आप लोग 8th क्लास में होपफुली पढ़ के आए हुए होंगे, नहीं पढ़ के आए हैं तो मैं धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे ना तो हम उसको समझते जाएंगे। तो जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ना उसके काम में टांग ना अड़ाए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है। तो अगर पावर्स ऑफ जुडिशरी को कम नहीं कर सकती है पार्लियामेंट तो इसका यही मतलब है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट आता है, कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद एनी कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबर, अरे भाई पड़ोसियों से बिना परमिशन लिए हम किसी दूसरी कंट्री के साथ साइन नहीं कर सकते तो अनडेमोक्रेटिक हुए भाई, वो तो फिर बहुत ही खराब हालत है इसका मतलब देश की, तो अनडेमोक्रेटिक, भाई हमारा देश है हमारी मर्जी है हम किस तरीके से काम करेंगे, तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है। कंट्री एस, ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय द ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज, मतलब सारे के सारे कंट्री के इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन बैंक ले रहा है, बिल्कुल मतलब, और मिनिस्टर्स उसको बदल ही नहीं सकते, भाई गलत बात है। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मिनिस्टर्स का, क्योंकि मिनिस्टर्स को कौन चुनता है, जनता चुनती है, और जनता जिसे चुनती है वो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में हमारे देश में इस समय सबसे बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चल रही है मिनिस्टर्स की नहीं चल रही है तो सॉरी सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो चलती है, सेंट्रल बैंक की चल रही है मिनिस्टर्स की नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कंट्री अनडेमोक्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से डेमोक्रेसी के फेवर में कौन सा अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है और क्यों नहीं है बताना है। तो आर्ग्यूमेंट डी, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पेरस देन अदर्स, डेमोक्रेसी में लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं दूसरों से, भाई ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आर्ग्यूमेंट डी जो है जो ये कहता है डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पेरस देन अदर्स इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के फेवर में कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ज़्यादा पैसे वाले होते हैं डेमोक्रेसी में लोग, है ना। दिस इज बिकॉज सम डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया आर स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमिकली, हम लोग डेवलप कर रहे हैं मगर हम लोग के इतने अमीर भी नहीं है, वाइल मोनार्कीज होती हैं जहां पर राजा का रूल होता है, राजा रानी वगैरह का रूल होता है ना, उसको हम लोग मोनार्की कहते हैं। तो मोनार्की जैसे कि यूएई,
यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल आप मुझे बताएंगे अगर आपको पता है तो। और इसमें एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस सिटी है, अगर पता है तो ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो मोनार्कीज जैसे कि यूएई बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, तो बाकी सारे पीपल फ्री मतलब फ्री है, इक्वल है डेमोक्रेसी में, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी में लोग फ्री फील करते हैं और इक्वल फील करते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो झगड़े रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट झगड़े अच्छे तरीके से सुलझा लेता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल होती है का क्या मतलब है, लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, वो जो काम करेगी वो उसे लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तो डेमोक्रेसी पे अप्लाई होती हैं, और ज़्यादा अमीर होते हैं ये तो अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक बताना है एंड राइट टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग को बताना है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनिस्टर कहता है कि कुछ लॉज हमें पास करने ही पड़ेंगे ताकि हम लोग WTO के जो काम है उसके मतलब ऐसे हो जाए कि जैसे WTO जिस तरीके से काम कर रहा है, हमारा देश भी उस तरीके से काम सही तरीके से करने लगे। तो क्या ये वाली चीज़ डेमोक्रेटिक है? जी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है हमारे देश की हेल्प ही करेगा। अगर उसके लॉज के हिसाब से हम अपने लॉज में कुछ चेंजेस ले आते हैं तो हम कंसेंट से ही लेके आएंगे, सब लोग मिल करके देखेंगे कि क्या चेंजेस सही होंगे क्या चेंजेस गलत होंगे। तो अगर हम लोग बदलाव ला रहे हैं ना लॉज में तो वो कोई गलत बात नहीं है, मगर हम हमेशा इस तरीके के बदलाव होने चाहिए कि उसमें देश का पूरा भलाई हो। तो हाँ डेमोक्रेटिक एलिमेंट है ये, सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मगर पार्लियामेंट को लॉ पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग। इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी देर पहले देखा था, उसने ऑर्डर कर दिया है कि दोबारा से इलेक्शन करवाओ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है ना, देखिए ये सपोज करिए इंडिया है, इंडिया में ना बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड होती हैं। हमारी जो लोकसभा है उसमें 554 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लोकसभा क्या है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, पार्लियामेंट होती है संसद, संसद के दो भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो है इसी में से हमारे प्राइम मिनिस्टर चुन करके आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, पूरे देश को इस तरीके से बांटा जाता है अलग अलग हिस्सों में कि बराबर बराबर लगभग वोट, हमारे देश में फिलहाल जैसे कि 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक वोट हम लोग जैसे मान के चलते हैं। तो इस तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गड़बड़ हो गई, लार्ज स्केल रिगिंग, रिगिंग का मतलब होता है धांधलेबाजी हो गई है। तो दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक है भाई फिर तो। रिगिंग वॉज रिपोर्टेड, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने ऑर्डर किया है कि रिगिंग हो गई है दोबारा करो। तो भाई ये एलिमेंट जो है ना रिगिंग, ये अनडेमोक्रेटिक है। तो कन्फर्म द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द, तो इसमें पहले वाले में हमने अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट नहीं देखा, वो हम देख लेंगे अभी, पहले इसका देख लेते हैं। इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ना उसने रीपोलिंग अनाउंस कर दी है, और अनडेमोक्रेटिक क्या है कि भाई रिगिंग हो गई घपले हो गए तो अनडेमोक्रेटिक है। हमें ना इन वाले सेंटेंसेज में डेमोक्रेटिक एलिमेंट बताना है कि क्या इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट आ रहा है और क्या अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट आ रहा है। तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट हमने देख लिया था, अनडेमोक्रेटिक फर्स्ट वाले में ये है कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, भाई मतलब हमने मान ली उनकी बातें क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा तो हमने मान ली, तो ये थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक हो गया। नेक्स्ट है सी, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%। द दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। तो इसमें देखिए डेमोक्रेटिक एलिमेंट मतलब क्या है इसका कि वुमेन जो है ना वो कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं पहुँची है, बट अब चेंज आ गया, बुक थोड़ी पुरानी है, 14% है फिलहाल, 14% तक पहुंच गई हैं वुमेन की सीटें। तो वुमेन कह रही हैं कि भाई हम लोग तो इलेक्शन में हम नेता नहीं बन पाते हैं बहुत ज़्यादा ना, MP MLA बहुत कम है वुमेन। तो वुमेन डिमांड कर रही हैं कि हम लोगों को 1/3 रिजर्वेशन दो। तो इसमें अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है कि वुमेन का कभी भी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं रहा है। तो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कभी 10% से ऊपर नहीं पहुंचा है। डेमोक्रेटिक है कि भाई वो क्या डिमांड कर रही हैं, 1/3 सीटें हमें दो, डिमांड कर रही है ना, ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर रही हैं, कह रही हैं कि पार्लियामेंट से लॉ पास करवाओ फिर हम लोगों को
जो है सीटें प्रोवाइड करो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस में कौन सी बात डेमोक्रेटिक है, कौन सी अनडेमोक्रेटिक थी वो बतानी थी, तो वो देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इन अ कंट्री। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, कौन सा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है आगे आर्ग्यूमेंट्स में से, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमिन, फेमिन का मतलब होता है भुखमरी, भुखमरी होने के बहुत कम चांस होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये हमें किससे पता लगता है। तो देखिए इसका आंसर है डी, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ये वाली बात ठीक है, ठीक ठीक बैठ जाती है, ठीक ठीक। इसमें फेमिन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है ना, भुखमरी से रिलीजन का को कोई रिलेशन नहीं है। पहला देखते हैं, अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू द हंगर एंड स्टार्वेशन। अपोजिशन पार्टी लाती है नज़रों में सरकार की कि भाई देखिए क्या है, लोग भूखे मर रहे हैं, डेमोक्रेटिक एलिमेंट आ जाते हैं यहाँ पे। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमिन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फ्री प्रेस जो है वो बता सकती है, प्रेस न्यूज़ रिपोर्टर्स की, भाई यहाँ पर कितनी भुखमरी हो रही है। गवर्नमेंट फियर्स इट डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब इस भुखमरी की वजह से गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि भाई हम इलेक्शन में हार ना जाए। सारे डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं ये तीनों के तीनों। यह है पीपल आर फ्री टू बिलीव इन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यहाँ पे हंगर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। तो डी जो है ना वो वैलिड रीजन नहीं है फॉर आर्ग्यूइंग दैट देर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस इज बिकॉज प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद प्रिवेंटिंग फेमिन। आप कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए पर भुखमरी से तो ना बचा सकता है कोई। हाँ भाई लंगर करवा रहे हैं गुरुद्वारे वाले वो बात अलग है, मगर देखिए फर्स्ट ए बी सी जो है ना इससे हमें पता लगता है कि अगर कोई भुखमरी से मर रहा है देश में तो सरकार पर दबाव पड़ता है और डेमोक्रेसी में इसलिए क्या होता है फेमिन आने की कंडीशन चांसेस रिलेटिवली बाकी जगह से कम होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने इसमें देख लिया है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम आगे के भी देखेंगे, तो आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। थैंक यू।